असलामुअलैकुम। हम लोग नाइन्थ मैट्रिक क्लास फिजिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। और हमने पढ़ना है सर्कुलर मोशन। सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी सर्किल में या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, हम बोलते हैं ये जो मोशन है इसका नाम क्या है, सर्कुलर मोशन। देखो लिखा हुआ है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, अब सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स क्या होती है, एक फैन अगर मूव कर रहा है तो वो भी सर्कुलर मोशन में है। सिमिलरली मूविंग टॉप का मतलब होता है लट्टू अगर घूम रहा है तो वो भी किस में घूम रहा है, सर्किल में घूम रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिमिलर है बिल्कुल, सर्कुलर मोशन की ही टाइप कह सकते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, लेकिन मूव करे कांस्टेंट स्पीड से, एक ही स्पीड से मूव करे सर्किल में, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल, एक बॉडी सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, एक बॉडी सर्किल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब जब सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है तो देखो स्पीड सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर पॉइंट पे इसकी स्पीड सेम है, कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक ही स्पीड से सर्किल में घूम रहे हैं, हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब थोड़ा सा और इसको हम डेप्थ में पढ़ते हैं। देखो अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव करता है ना, तो होता यह है हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मोशन की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, और वो जो चेंज होती है डायरेक्शन उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, देखो लिखा है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टेंजेंट होती है सर्किल की हर पॉइंट पे। ठीक है, देखो लिखा है, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिस्कस कर रहा हूं तो ए पॉइंट पे टेंजेंट, बी पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन देखता हूं तो टेंजेंट, सी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखता हूं तो ये भी टेंजेंट, डी पॉइंट पे देखता हूं तो ये भी टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है ये बात समझते हैं। देखो लिखा है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर, तो देखो ये लाइन सर्किल को सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये लाइन सर्किल को सिर्फ इस पॉइंट टच कर रही है, ये लाइन सर्किल को सिर्फ इस पॉइंट टच कर रही है, और ये वाली लाइन भी सर्किल को सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये तमाम लाइंस जो बनाई हैं ये टेंजेंट है। ठीक है, एक और बात आपको समझना है कि टेंजेंट लाइन और रेडियस वाली लाइन में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। टेंजेंट लाइन और रेडियस वाली लाइन में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का। टेंजेंट लाइन और रेडियस की लाइन में 90 का एंगल। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही है कि टेंजेंट लाइन और रेडियस वाली लाइन में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब आप देखो यहां पर सारी बातें मैंने मेंशन की हुई है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट होती है सर्किल के हर पॉइंट पे, और दूसरी बात टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, और इसके बाद नेक्स्ट हमने ये बात भी लिख दिया कि टेंजेंट लाइन में और रेडियस वाली लाइन में हमेशा 90 का एंगल होगा, और वो दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट होने का मतलब है हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा, अब हमने ये बात देख ली है कि बॉडी अगर सर्किल में मूव करता है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए बोलते हैं स्पीड कांस्टेंट है। अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। देखो वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही थी। यहां पर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से, तो वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, देखो जरा सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, 5 मीटर पर सेकंड एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, देखो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये बात भी मेंशन करती कि वेलोसिटी
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल होगी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर से। मतलब हमें पता होगा कि स्पीड कितनी है ये पता होगा हमें, हमें सर्किल का रेडियस भी पता होगा, तो हम इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो थोड़ा बहुत हम इसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं अपनी बात को। अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी सर्किल में मूव कर रहा है एक ही स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट होती है सर्किल के हर पॉइंट पे, ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन की और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसका नाम क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो आज हमने पढ़ लिया।